हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि पहले मैंने आपको फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताया था, फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। अब मैं आज आपको बताऊंगी माइंस एक्ट के बारे में, जो कि 1952 में बनाया गया था। माइंस एक्ट क्या है? जो खदानें होती हैं उनमें होने वाले वक्त, जैसे कोयले की खदान हुई है ना, किसी पत्थर की हुई, इस तरीके की जो भी खदानें रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर होने वाले वर्क में हमें क्या क्या रखना चाहिए, किस तरीके से हम वहाँ सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं, इनके बारे में बताया गया है। देखिए, हर काम को करने के लिए एक एक्ट बना है इसमें, फैक्ट्री एक्ट में, कि कौन सा काम आपको किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या आपको सेफ्टी रखनी है, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी एक्सेस आप कैसे उसमें रख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। तो ये जो एक्ट बना 1952 में, उसमें यही बताया गया, इससे पहले की जो कंडीशन हो रही थी माइंस में, उन सबको देखते हुए जब पूरा ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि एक्सीडेंट्स की लेवल बहुत हाई है। हर तरीके से वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स लेवल तो बहुत हाई है, पर सेफ्टी के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो क्या किया गया, उसको जब देखा गया, तब ऑब्जर्व किया गया कि किस तरीके के एक्सीडेंट्स आजकल फेस करने को मिल रहे हैं, और उन एक्सीडेंट्स पे हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो जब ये माइंस एक्ट जो आया, तो उसके पीछे क्या था, यही सबसे बड़ा रीज़न था कि वहाँ के जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, काम जो वो कर रहे हैं उस पर, उस काम को करते वक्त उनको कोई दिक्कतें ना आए, होने वाली जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी एक्सीडेंट्स हैं, उनकी वजह से उन्हें कोई हार्म ना हो, इस तरीके की चीज़ें सामने आई, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं, उन पे पड़ने वाला असर जो है वर्कर्स पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कम हो, वो लोग सेफ रहें, एक्सीडेंट लेवल कम रहें, इसलिए ये एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो 1952 में ये एक्ट का जो मेन मोटिव था, वो यही था कि माइंस जो हैं, उनकी जो स्थिति है उन्हें सुधारा जाए, ठीक है, वहाँ के होने वाले जो एक्सीडेंट हैं उन्हें देखा जाए, उनके लिए सेफ्टी प्रिवेंट करी जाए। सेफ्टी प्रोवाइड अगर करेंगे तो देखिए दो बेनिफिट होंगे, एक तो काम ठीक से चल पाएगा, साथ ही एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट में आपके वर्करों को चोट लग रही है, तो क्या होगा, मैन पावर कम हो रही है ना, तो मैन पावर जो वेल मेंटेन्ड रहेगी, एक्सीडेंट्स रुके रहेंगे। तो इसी को देखते हुए ये सारे एक्ट बनाए गए थे। तो माइन एक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए पूरा एक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटेड जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो बनाया गया, वो 1952 में रहा। मेन मोटिव यही था कि जो लेबर्स हैं उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, जो भी काम वो कर रहे हैं बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहे, वर्किंग आवर जो है माइंस में, मिनिमम वेजेस रेट क्या हैं, ये सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड रहें, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये माइन एक्ट बनाए गए, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेफ्टी वहाँ उस जगह पर रख सकें, और सेफ्टी रहेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स कम रहेंगे और हमारी सारी चीज़ें भी ठीक से चल पाएंगी, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि जो भी लेबर है, क्या होता था, उनसे ज़्यादा काम करा रहे हैं, ठीक है, उन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है, फिर भी पैसा उतना ही मिल रहा है, ठीक है, उन्हें चोट लग रही है पर कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इस कंडीशन को सुधारने के लिए एक्ट बनाए गए। अगर इन एक्ट के खिलाफ जाके कोई काम करता है, तो उसको क्या पनिशमेंट भी दी जाती है। तो ये एक्ट के दौरान यही बताया गया है कि वहाँ होने वाले जो एक्सीडेंट हैं उनको रोकथाम करना, ठीक है, ठीक है। तो ये भी माइंस के अंदर आया, क्योंकि माइंस हैं जो, उधर ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से नहीं मिल पाता था, तो पानी जो है वो साफ़ सुथरा मिले पीने को, इस सेक्शन 19 में इसमें दिया गया है कि पानी जो है, वाटर सप्लाई जो हो वो साफ़ सुथरी रहे, सूटेबल रहे, पॉइंट सफिशेंट रहे, पानी की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, और एवरी पर्सन एम्प्लॉयमेंट अगर काम कर रहा है तो एटलीस्ट 2 लीटर्स वो पानी पिए, ठीक है। इस तरीके की ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। और जो भी आपका माइंस हैं वहाँ पे क्या है, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वेल प्रोवाइड उन्हें कराई जाएं, इसलिए ये सेक्शन 20 बनाया गया था, ठीक है। फिर साथ ही क्या हुआ, जो माइंस होती हैं वहाँ पे वुमेंस भी वर्क करती हैं, तो वुमेंस के लिए एक एम्प्लॉयमेंट निकाला गया कि वहाँ पे कोई वुमेन एम्प्लॉयमेंट अगर है, तो अगर ग्राउंड लेवल से ज़्यादा नीचे काम चल रहा है, तो वो जो ग्राउंड लेवल से नीचे जो काम चल रहा है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट रहेगी वुमेंस की, वो क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है उससे नीचे का अगर वर्क हो रहा है, तो वो वुमेंस के लिए सेफ नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट को मना कर दिया गया, ठीक है, और साथ ही कोई भी ग्राउंड लेवल का वर्क चल रहा है तो क्या करना है उन्हें, क्या होता है माइंस में जो वर्किंग आवर रहते हैं वो बहुत ही हाई रहते हैं, तो वुमेन्स के लिए ये थोड़ा अनसेफ रहता है, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट निकाला गया, ठीक है। तो ऑल ओवर जो माइंस का वर्क था, माइंस एक्ट जो था वो इसलिए बनाया गया ताकि रहने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ठीक तरीके से एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिल पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये क्लियर करती हैं कि हम सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं माइंस में उनकी लेवल जो है वो हाई हो रही थी, जिसकी वजह से क्या किया गया, उनको रोका गया। अब जब एक्सीडेंट्स हम रोक रहे हैं, वुमेन्स के लिए भी सेफ्टी रख रहे हैं, तो बहुत हद तक क्या होगा कि हमारे जो होने वाले वर्क हैं वो ईजीली हो पाएंगे, ठीक है। तो माइंस जो है वो एक मतलब ऐसी सिचुएशन रहती है, ऐसी जगह रहती है जिसमें हर चीज़ की दिक्कत रहती है, पीने का पानी और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड हो सके इनके लिए सबके लिए सेक्शन बनाए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, ठीक है। तो माइंस से रिलेटेड जो रूल बना वो 1952 में बना, उसमें यही ऑल ओवर व्यू किया गया कि एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जाए। जब एक्सीडेंट्स रुक जाएंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो और बाकी चीज़ें तो अच्छी होनी ही हैं। तो इस तरीके से ये एक्ट जो है उसका बनाने का पर्पस ये था कि होने वाले एक्सीडेंट्स पर ध्यान दिया जाए, माइंस पर जो वर्क चल रहा है उन पर ध्यान दिया जाए, किस तरीके से हम सेफ्टी रख सकें, ठीक है। तो इस तरीके से और भी एक्ट बनाए गए हैं और वर्क को लेके, क्योंकि हर जगह सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, तो इनके लिए क्या किया गया, ये जो सारे सेफ्टी रूल्स हैं ये सब चीज़ें बनाई गई, एक्ट बनाए गए, सेक्शन बनाए गए फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें यही शो करती हैं कि आप सेफ्टी के लिए कितने सीरियस हैं, ठीक है। क्योंकि माइंस में अगर वर्क चल रहा है तो आपको क्या है उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो वो लेस करा दिए गए हैं वैसे तो अब, पर वहाँ वर्किंग जो है वो डे और नाइट दोनों चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ सेफ रह सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको माइंस के बारे में बताया, माइन एक्ट के बारे में। सो थैंक यू।